भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में लगातार हो रहे वाहन चोरियों पर लगाम लगाते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि आर्थिक तंगी के चलते आरोपी दो मौसेरे भाइयों ने अपराध की राह पकड़ी। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया कि आर्थिक तंगी के चलते आरोपियों ने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों द्वारा भीलवाड़ा और अजमेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदातों को करना कबूल किया है। कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद दादिच ने कहा है कि शहर भीलवाड़ा में बढ़ रही वाहन चोरियों की घटनाओं को रोकथाम पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद शहर के संजय कॉलोनी निवासी योगेश कुमार प्रजापत ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 17/11/2021 को जिला स्टेशन कोर्ट से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इस पर थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में ASI साबिर मोहम्मद, संजय कुमार, पप्पू राम, प्रदीप कुमार, समय सीए भूपेंद्र गिरी की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके अथक प्रयास के बाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो आरोपी सत्यनारायण लोहार और प्रहलाद कुमार लोहार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं शातिर आरोपी सत्यनारायण लोहार ने यह 7 मोटरसाइकिल स्टेशन कोर्ट के बाहर से चोरी की है। कोतवाली थाने के ASI साबिर मोहम्मद द्वारा पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी आपस में मौसेरे भाई हैं, जिन्होंने आर्थिक तंगी के चलते वाहन चोरी की वारदात को करना शुरू किया है। दोनों आरोपियों ने भीलवाड़ा और अजमेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 20 से 22 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। जी सर, कुछ दिनों पहले एक परिवादी है जिनकी मोटरसाइकिल न्यायालय के सामने से चोरी हो गई थी, उसकी जांच के लिए और तलाशी के लिए जब प्रयास किया तो पूछताछ के दौरान एक अपराधी है जो आदतन है मोटरसाइकिल चोरी का, सत्यनारायण से पूछताछ करी तो उसके पास हमें 7 मोटरसाइकिलें मिली हैं चोरी की, और उसने इस काम के लिए स्वयं तो चोरी करता ही है, साथ में अपने मौसी के लड़के प्रहलाद को भी इस काम में उसने साथ रखा। प्रहलाद मोटरसाइकिलें बेचने का काम करता है और ये चुराता है। सर, चोरी करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? सत्यनारायण के खिलाफ अब तक चोरी और नकबजनी के 27 प्रकरण हैं, और आमतौर पे चोरी करता है इसलिए जेल चला जाता है, फिर दोबारा पैसे की तंगी आ जाती है, हलवाई का काम करता है लेकिन प्रॉपर कर नहीं पाता, इस कारण से फिर पैसे की तंगी आने पे फिर मोटरसाइकिलें चोरी करना शुरू कर देता है। इन्होंने दोनों ने अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर और विजयनगर, भीलवाड़ा, इन सभी जगह पे मोटरसाइकिलें चोरी की है।